और आइए इस वक्त आपको बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से दे। उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि कल यूपी एटीएस ने दो आतंकवादियों को गिरफ्तार किया, संदिग्ध आतंकियों को। इनसे जो जानकारियां मिली उसके बाद चार ऐसे इलाके हैं जहां पर इस वक्त एटीएस की छापेमारी जारी है। इनसे पूछताछ के आधार पर जो इन्फॉर्मेशन मिली, क्योंकि 15 अगस्त को उत्तर प्रदेश में आतंकी वारदातों को अंजाम देने का प्लान था और कल से ही पूछताछ का ये दौर जारी है। जैसे ही कल इनकी गिरफ्तारी हुई उसके बाद जबरदस्त हड़कंप उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में, क्योंकि जो इनका प्लान था, जिस तरह का सामान इनसे बरामद हुआ, प्रेशर कुकर, बम से लेकर अलग विस्फोटक, ऐसे में आज का ये दिन इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से बहुत अहम, क्योंकि पूछताछ के बाद छापेमारी का दौर उत्तर प्रदेश के चार अन्य इलाकों में इस वक्त जारी है। हालांकि कुल सात